अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं रायडू कॉलोनी अहमदाबाद कर रहा हूँ। माशाल्लाह तबारकल्ला, मेरे खुशहाल टीवी को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और दूसरों तक भेजो और कमेंट्स करो। मैं ये रास्ता इसलिए मैं चलने को जा रहा हूँ, माशाल्लाह उधर रायडू कॉलोनी है, इधर पाइपिंग फैक्ट्री मोहिद्दीन भाई की है। उजैर मुझे बुलाते ही माशाल्लाह मैं हमेशा उन्हें गाड़ी भेजती कहती, मुझे आपको चल को जाना बड़ा पसंद है। और एक्चुअली घर के पास है ना, अच्छा लुंगी और शर्ट पे कभी भी घर के पास कभी कभी रहता अच्छा लगता है मुझे माशाल्लाह। मैं जहाँ तक चलता हूँ वहाँ तक कलियों की भिचाने भिचाते मेरे दोस्त माशाल्लाह तबारकल्ला, लेकिन फिर भी क्या हरकत, मुझे सड़कों जाना बड़ा पसंद है माशाल्लाह। रास्ते चलते चलते बीत जाता है रास्ता, रास्ते चलते चलते बीत जाता है रास्ता, मोहब्बत करते करते दिना घट जाते ही, लेकिन हकीकत सामने रह जाती है तो मोहब्बत में जब ख़राबी आती है तो अपने अपने शक्लों से मोड़ करके दूर चले जाते ही। इसलिए सबसे पहले आपको दिल में कब्रिस्तान बनाना है दोस्ती करने से पहले। जब दोस्ती की हर बुराई को आपको दिल के कब्रिस्तान में दफन करो और अच्छापन को पकड़ के साथ में ले कर चलो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा साथ देता भी और दोस्ती निपटती भी, आगे बढ़ सकती। इसी हालत से हमने उजैर भाई से मुलाकात करने के लिए हमने मेरे गांव से लेके यहाँ पाइपांग की फैक्ट्री तक, ये पाइपांग फैक्ट्री देखो, ये पाइपांग की फैक्ट्री है जहाँ हमने दिखा रहा इधर, यहाँ तक हमने कभी कभी चले जाता, बड़ा मज़ा मिलता, बड़ा अच्छा भी लगता माशाल्लाह तबारकल्ला। यहाँ की सीन, यहाँ का माहौल, यहाँ का ठंडा मौसम बड़ा प्यारा रहता। ये सूरज डूब जाता है ये सूरज डूब जाता है, शाम होने आ रही है, किसी से मिलने जाता हूँ, बादलें छुप छुप के मेरे आँखों में आ रहेगी, पता नहीं ये हरिया भरिया मौसम में भी जुगनू उड़ जाती थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह, समझे नहीं। चलते 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 हमने कहीं चल जाते ही देखो मोहब्बत कभी कभी हमेशा, देखो कारों में फिरया और स्कूटर में गया, BMW में फिरया, हर जगह ट्रेन में गया, बस में गया, फ्लाइट पे, हर जगह दोस्तों के लिए मैं फिरया चला, लेकिन मेरे गांव का रास्ते से मैं आके ऐसा चल के जाना है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, समझे, बड़ा प्यारा लगता है। मेरा समीर है ना कुवैत में, रात को मेरे को बहुत सताया फ़ोन करके, मैं भी उसको बहुत सताया और खमरुद्दीन भी मेरे को बहुत सताता, मेरा दोस्त मैं भी उसको बहुत सताता। सिद्दीक भाई आपको बड़ा अंडरस्टैंडिंग करती माशाल्लाह, बड़ा प्यार देती, मैं भी उनको बहुत प्यार देता। सबसे ज़्यादा चुलबुले हैं ना मेरे साथ माशाल्लाह समीर, कुवैत में ही उन्होंने डॉक्टर है माशाल्लाह, COVID-19 का टेस्टिंग करते ही वहाँ पे देखते ही लिखते ही माशाल्लाह, लोगों को बहुत अच्छा करते हैं, अल्लाह उनको जजाकल्ला खैर दे, रहमी सिलाह करते ही पब्लिक के लिए, बहुत कुर्बान होते ही उनके लिए, तंदुरुस्ती के लिए मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ। और ख़ास तरीके से हमारे खमरुद्दीन भाई को, सिद्दीक भाई को, हमारे आंटी उनके घर को भी मैं हमेशा दुआ करता ही रहता हूँ। और बच्चों के लिए जो भी हो, जो इंसान पैदा होना बड़ी बात नहीं है, समझे नहीं, इंसान बन को पैदा होना बड़ी बात नहीं है, सब पैदा हो जाते हैं, लेकिन इंसानियत रख के पैदा होना बड़ी गनीमत की बात होती है क्या नहीं। इंसानियत के नाते जिस इंसान में पैदा होते नहीं अपने जिस्म में और दिल दिमाग में, वो इंसान पैदा होते फ़ायदा नहीं है। रहमी सिला तुम्हें ज़मीन वालों के ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारे ऊपर रहम कर दूँगा अल्लाह, समझे ने। मुझे खमरुद्दीन भाई, सिद्दीक भाई, इन लोगों सब कहने रहम करने का दिल है इनके पास माशाल्लाह, अल्लाह इनको जजाकल्ला खैर दे, हमेशा इनके लिए मैं दुआ करता ही रहता हूँ सबके लिए। ये फैक्ट्री है उजैर भाई, सुहेल भाई, यहाँ को क्या है मोहिद्दीन भाई, इनकी ये फैक्ट्री है, ये पार्क है माशाल्लाह। मैं यहाँ मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए मैं यहाँ से वो गांव से ले कर ये गांव तक, यहाँ तक ये रोड के तक आता रहता हूँ, समझे नहीं। ये मदनपल्ली रोड है, पाइपांग की फैक्ट्री है, दोस्ती बड़ी अजीब है हमारी दोस्ती, आपकी दोस्ती मैं कब तक करूँ, मगर आँखें मुझा तो दिल को क्या करूँ, है क्या नहीं। आपकी दोस्ती मैं कब तक करूँ, आंखें मुछा तो मगर दिल को क्या करूँ, दोस्ती किसी की बिसरने के लिए मगर मैं आंखें मुझ दिया तो दिल को मुछ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कहीं भी रहने दो, कभी कभी मुझे ऐसे कॉल आ जाते हैं, ऐसे फ़ोने आ जाते हैं तो मैं चल आना पड़ता है, कभी कभी मैं चल ले कर आता रहता हूँ इंशाल्लाह, समझ रही। नकली मोहब्बत का नाम रेत पे लिखने से मिट जाता है, नकली मोहब्बत का नाम रेत पे लिखने से मिट जाता है, असली मोहब्बत का नाम पत्थर पे लिखने से कभी मिटता ही नहीं, समझे नहीं। ऐसी अकेले ये रास्ता बहुत अजीब है, ये रास्ता बड़ा अजीब है,
ये रास्ता बड़ा अजीब है, ये हालत यहाँ की बड़ी अजीब है, लेकिन चल के आने में बड़ा मज़ा मिलता है। लेकिन मोहब्बत कहाँ तक लेके आ जाती है पता नहीं, कहाँ तक खींच के लेके चली जाती है ये भी पता नहीं। मोहब्बत माँ बाप से भी होती है और बहनों से भी होती है, बीवी से भी होती है, दोस्तों से भी होती है। मोहब्बत को कोई रंग नहीं रखता, मोहब्बत को कोई रंग नहीं है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मोहदीन भाई, मुझे मिल गए माशाल्लाह। मोहब्बत को कोई रंग नहीं रहता, समझे नहीं, मोहब्बत की कोई ज़ात नहीं रहती, मोहब्बत को कोई रंग रहता नहीं, मोहब्बत की कोई ज़ात रहती नहीं, मोहब्बत को कोई रंग रहता नहीं, मोहब्बत की कोई ज़ात रहती नहीं, समझे नहीं। नकली मोहब्बत वाले रेत पे नाम लिखे तो बालू में कैसे मिट जाती हैं वैसे रहती हैं, असली मोहब्बत वाले पत्थर पर नाम लिखे तो कैसा टिके रहती हैं ऐसा रहती हैं। ये भी मेरे समीर एक दोस्त मुझे बहुत अच्छा बेहतरीन शेर शायरी से समझे थे माशाल्लाह तबरकला, जैसा जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैंने अभी पैपांगी फैक्ट्री के पास आई मेरे दोस्तों को मिलने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटी गाड़ी देखो, अब हमें दोस्ती बैठे ही अब बातचीत करने के लिए अब बात कर लेंगे। शेखा हो, दोस्तों हो, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मेरे दोस्त के साथ मोहिद्दीन के भाई के साथ बैठूंगा, अब उनके बेटे सुहेल के साथ और उज़ैर के साथ सबके साथ बात कर लेकर होके जाऊँगा इंशाल्लाह तबारक अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।